दोस्तों कुछ दिन पहले हमारे एक सब्सक्राइबर्स भाई ने हमसे रिक्वेस्ट किए थे कि कार पॉलिशर मशीन के ऊपर में एक वीडियो बनाइए। तो चैनल में पहले कभी भी कार पॉलिशर मशीन के ऊपर में कोई भी वीडियो हमने नहीं बनाया, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पर आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एकदम सस्ता प्राइस में मिलने वाला एक कार पॉलिशर मशीन जो कि स्टार क्यू ब्रांड का है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले इस बॉक्स को अनबॉक्सिंग करेंगे, अंदर में क्या क्या देखने को मिलता है देखेंगे, और उसके बाद जो है स्टार क्यू का कार पॉलिशर मशीन का क्वालिटी और परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। और आप में से जो लोग वीडियो देखने के बाद स्टार क्यू का इस कार पॉलिशर मशीन को खरीदना चाहते हैं, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर इसका परचेस लिंक दे रखे, नीचे दी लिंक से डायरेक्टली इस प्रोडक्ट को आप परचेस कर सकते हैं। और चैनल में नया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि कार और बाइक रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल में हम लाते रहते हैं। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पॉलिशर मशीन के बॉक्स को ओपन करने से पहले यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए यह है स्टार क्यू इलेक्ट्रिक पॉलिशर ST180A, वोल्टेज है 220 वोल्ट, व्हील साइज यानी कि पॉलिशर मशीन का जो बैकिंग प्लेट है उसका डायमीटर है 180 mm, इनपुट पावर है 1200 वाट का, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज का, और साथ साथ नो लोड स्पीड है 0 to 2300 रोटेशन पर मिनट। तो अभी जो है फटाफट से यहां पर बॉक्स को ओपन करते हैं। तो दोस्तों ये मशीन के बॉक्स के अंदर में देखिए यहां पर एक उल पैड आपको प्रोवाइड किया जाता है जो कि जो बफिंग और कंपाउंडिंग वगैरह करने पर बहुत हेल्प करता है, और साथ ही साथ यहां पर प्रोवाइड किया गया है एक कॉटन पैड। और इसके अलावा यहाँ पर ये रहा मशीन का बैकिंग प्लेट, मतलब जहाँ पर जो है वूल पैड या फिर कॉटन पैड को आप फिट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और साथ ही साथ ये रहा मशीन का जी हैंडल जो कि मशीन के साथ अटैच होगा। और अटैच करने के लिए दोस्तों इसके अंदर में जो है देख सकते हैं, जैसे आप एक एलन की और दो बोल्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है जिसके मदद से जो है इस हैंडल को आप मशीन के साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये अंदर में रहा दोस्तों मेन मशीन, इसको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेन पॉलिशर मशीन, और मशीन के इस पोर्शन में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मशीन के जो इन्फॉर्मेशन है हर एक चीज़ यहाँ पर डिटेल्स में लिखा हुआ है। और साथ ही साथ दोस्तों इस पोर्शन में है मशीन का कार्बन ब्रश कवर, और यहाँ पर है मशीन का ट्रिगर यानी कि मशीन को ऑन ऑफ करने का जो स्विच है, इसको प्रेस करने पर मशीन ऑन हो जाता है और छोड़ देने पर जो मशीन ऑफ हो जाता है। और ऊपर में राउंड सिम में जो है ये मशीन का ट्रिगर का लॉक है, मतलब ट्रिगर को प्रेस करके इस लॉक बटन को अगर प्रेस कर देंगे तो मशीन जो है कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा, और इस लॉक को अनलॉक करने के लिए वापस से ट्रिगर को आपको एक बार प्रेस कर देना है। और साथ ही साथ दोस्तों मशीन के ऊपर के पोर्शन में यहाँ पर जो है ये है मशीन का स्पीड कंट्रोलर या फिर रेगुलेटर, मतलब इसका जो रोटेशन स्पीड है इस पोर्शन से जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल 6 स्पीड प्रोवाइड किया गया है, जैसे आप देख सकते हैं ये एक में है, और इसको इस तरीके से घुमा देंगे देखिए पूरा 6 तक स्पीड जो है इसका इंक्रीज कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मशीन का जो वायर है वो लेंथ में उतना बड़ा भी नहीं उतना छोटा भी नहीं, इसका लेंथ दोस्तों लगभग 4 फीट के आसपास होगा या फिर थोड़ा ज़्यादा होगा 4 फीट से। दोस्तों मशीन के ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर मशीन का जो बैकिंग प्लेट है, बैकिंग प्लेट फिट होगा, तो बैकिंग प्लेट को दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर देखिए लगा के जो है क्लॉकवाइज में घुमा देंगे इस तरीके से, तो बैकिंग प्लेट जो है दोस्तों देखिए यहाँ पर फिट हो गया। और वापस से जब बैकिंग प्लेट को रिमूव करना चाहते तो मशीन के ऊपर के पोर्शन में देखिए एक लॉक बटन या फिर लॉक स्विच है या फिर लॉक शाफ्ट भी कह सकते हैं इसको, तो इसको इस तरीके से जो है आपको प्रेस करके देखिए बैकिंग प्लेट जो है उसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देना है। तो ये दोस्तों देखिए बैकिंग प्लेट जो है रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों अभी फटाफट से जो है मशीन का जी हैंडल जो है मशीन के साथ अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर हैंडल को इस तरीके से देखिए यहाँ पर 2 होल है, इस पोर्शन में एक और इस पोर्शन में एक, तो इसके सीधा रखना है यहाँ पर हैंडल में जो होल है देखिए इस तरीके से आपको लगा के जो है देखिए तो यहाँ पर हैंडल जो है फिट हो गया। इन दोनों बोल्ट को अटैच कर देते हैं यहाँ पर एलन की के मदद से देखिए, यहाँ पर
पर हैंडल को हमने फिट कर लिया है। अभी इस बैकिंग प्लेट के साथ सबसे पहले अटैच करेंगे वूल पैड को। तो यहाँ पर एक बात बता दूँ, कॉटन पैड जो है दोस्तों उतना ज़्यादा यूज़ में तो नहीं आता, तो सबसे पहले वूल पैड को यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर वूल पैड के नीचे में देखिए एक प्लास्टिक लगा हुआ है, इस कवर को आपको निकाल लेना है इस तरीके से। अभी ये जो है दोस्तों इस बैकिंग प्लेट के साथ यहाँ पर अटैच कर देना है इस तरीके से। देखिए तो ये अटैच हो गया दोस्तों। अभी इसको सिंपली जो है मशीन के साथ इस तरीके से लगा देंगे। देखिए तो ये हो गई फिट। तो सबसे पहले जो है इस पॉलिशर मशीन का स्पीड, मतलब मैक्सिमम कितना स्पीड से जो है ये बैकिंग प्लेट रोटेट होता है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर जो स्पीड रेगुलेटर या फिर कंट्रोलर नॉब दिया हुआ है इसको हम एक के बाद एक बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए जो ट्रिगर है, ट्रिगर को अगर प्रेस करेंगे देखिए मशीन घूमना स्टार्ट हो गया, सॉरी मतलब बैकिंग प्लेट जो है रोटेशन होना स्टार्ट हो गया, और इसको छोड़ देंगे तो बंद हो गया। और ये जो लॉक बटन है दोस्तों, अभी देखिए ट्रिगर को प्रेस करके लॉक बटन को प्रेस करके लॉक कर दिए, तो ये अभी जो है कॉन्स्टेंटली ऐसे ही घूमता रहेगा जब तक इसको अनलॉक ना करे। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए मशीन जो है अभी पहला नंबर जो एक नंबर स्पीड पर घूम रहा है। तो देखते हैं दोस्तों स्पीड जो है मैक्सिमम कितना लेवल तक पहुँचता है। ये हमने दो में किया, देखिए इसके बाद तीन, उसके बाद चार, उसके बाद पाँच, उसके बाद छः। वाह दोस्तों, ऑनेस्टली बात है दोस्तों, इतना स्पीड जो है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है ये रोटेशन हो रहा है, देख लीजिए बहुत स्पीड से जो है ये अभी रोटेट हो रहा है बैकिंग प्लेट जो है। ऑनेस्टली बात है दोस्तों, तो इसको बंद कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप को एक बात बता दूं, अगर आप खास करके बिगिनर से पहले टाइम के लिए मशीन को यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप ज़्यादा से ज़्यादा दो या तीन स्पीड पर यूज़ कीजिए तो ही बेहतर रहेगा। क्योंकि मतलब एकदम शुरुआत में ही अगर आप सिक्स स्पीड पर कर देंगे तो हो सकता है मशीन आप कंट्रोल ना कर सके, तो इस चीज़ को ध्यान पर रखते हुए आपको यूज़ करना है। यहाँ पर हमारे पास दो प्रोडक्ट है, एक है वैक्स पोल एक्स कट रबिंग कंपाउंड और दूसरा है वैक्स पोल सिल्की टच लिक्विड वैक्स पॉलिश। तो दोनों प्रोडक्ट को ही मैं पॉलिशर मशीन की मदद से यूज़ करके आपको दिखाऊंगा कार के बॉडी में। और यहाँ पर जो स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज के मदद से हम रबिंग कंपाउंड या फिर पॉलिश को कार के बॉडी में सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद जो है पॉलिशर मशीन को वहाँ पर यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम माइक्रोफाइबर क्लॉथ से उस जगह को वाइप अप करेंगे। यहाँ पर कार के बोनेट के कुछ पोर्शन में और साथ ही साथ दरवाजे के साइड में कुछ पोर्शन में पॉलिशर मशीन को यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कार के बोनेट के ऊपर में हो या फिर ये वाला जो सरफेस है यहाँ पर जो है डस्ट वगैरह लगा है। आपके कार के बॉडी अगर ज़्यादा गंदा नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी डस्ट पार्टिकल्स अगर लगा है, तो तब भी आपको सबसे पहले क्लीन करना है, ड्राई करना है, उसके बाद जो है पॉलिशर मशीन को यूज़ करना है। अदरवाइज दोस्तों थोड़ा सा भी डस्ट पार्टिकल्स लगा रहेगा उसके ऊपर में पॉलिशर मशीन को यूज़ करेंगे तो पॉलिश करने के जगह उल्टा आपके कार के बॉडी जो है वहाँ पर स्क्रैच मार्क या फिर स्वाल मार्क्स आ जाएगा। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान पर रखना है। कार के बोनेट के इस पोर्शन में हम वैक्स पोल सिल्की टच लिक्विड वैक्स जो है इसको यूज़ करेंगे पॉलिश मशीन की मदद से। तो यहाँ पर दोस्तों वैक्स पोल सिल्की टच में स्प्रे सिस्टम है, तो आप चाहे तो डायरेक्टली भी स्प्रे कर सकते हैं या फिर चाहे तो स्पॉन्ज पर लेकर डैब डैब करके भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली स्प्रे ही कर देते हैं, इस तरीके से जो है पूरा पोर्शन में स्प्रे कर देंगे। देखिए के बाद जो है चाहे तो आप स्प्रे करने के बाद भी स्पॉन्ज की मदद से जो है थोड़ा सा डैब डैब कर सकते हैं ताकि पॉलिश जो है अच्छी तरीके से लग जाए। तो यहाँ पर जो है दोस्तों पॉलिश मशीन को हम देखिए एक स्पीड पर है अभी, तो इसको बस तीन स्पीड पर सेट करेंगे। देखिए देखिए तो पॉलिश मशीन का जो वेट है दोस्तों इसी वेट से ही काम हो जाएगा, मतलब आपको अलग से कोई भी हाथ से प्रेशर देने का ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही हाथ से पकड़ के रखिए तो काम हो जाएगा आपका। और साथ ही साथ एक जगह पर आपको पॉलिश मशीन को पकड़ के नहीं रखना है, पूरा जो सरफेस है पूरा सरफेस में स्प्रेड करते जाना है। बस हो गया, इसके बाद बंद कर देते हैं। तो दोस्तों देख ही सकते हैं आप कितना एकदम कम टाइम के अंदर जो है पूरा सरफेस में पॉलिश को हमने अच्छी तरीके से पॉलिश मशीन की मदद से जो है स्प्रेड कर दिया है। इसी सेम चीज़ को अगर हाथ से करने जाते हैं आप तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम लगता है और इतना बढ़िया क्वालिटी से स्प्रेड भी नहीं होता। यही दोस्तों खासियत है पॉलिशिंग मशीन का।
तो इसके बाद सिंपली जो है करना क्या है, बस वाइप अप कर देंगे सरफेस को। देखिए अगर थोड़ा सा वेट करके वाइप अप करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर वीडियो पे दिखाने के लिए बस लगाने के साथ साथ वाइप अप कर दिया मैंने। लेकिन फिर भी दोस्तों रिजल्ट कमाल का आया है डेफिनेटली। ये जो सरफेस है अभी बहुत बढ़िया क्वालिटी से दोस्तों शाइनिंग लुक आ गया है इसमें। हाथ से लगाने पर जो रिजल्ट मिलता है, क्योंकि मैं सिल्की टच लिक्विड वैक्स पॉलिश को बहुत बार यूज़ किया हूँ हाथ से, डेफिनेटली उससे शाइनिंग लुक में थोड़ा डिफरेंस मुझे देखने के लिए मिल रहा है। एकदम ऑनेस्टली बात है, और स्मूथ तो हो ही गया है सरफेस जो है। तो डेफिनेटली दोस्तों स्टारक्यू का पॉलिशर मशीन का क्वालिटी और परफॉर्मेंस दोनों ही काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिला यहाँ पर, क्योंकि इसके प्राइस के हिसाब से जो यहाँ पर मिल रहा है मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अभी दरवाजे का साइड का ये जो पोर्शन है, यहाँ पर हम वैक्स पोल एक्सकर्ट रबिंग कंपाउंड को यूज़ करेंगे। यहाँ पर से एक टेप हमने चिपका दिया है ताकि यूज़ करने के बाद थोड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिले। हालांकि मेरा कार जो है अभी दोस्तों पूरा कार के बॉडी में ही शाइनिंग लुक है, डिफरेंस कितना देखेगा कैमरा में मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। वैक्स पोल एक्सकर रबिंग कंपाउंड को इस तरीके से लेंगे, देखिए। इसके बाद जो दोस्तों इसको डैब डैब करके पूरा कार के दरवाजे के साइड का जो बॉडी है यहाँ पर लगा देंगे। देखिए देखिए पूरा सरफेस का जो स्प्रेड करते जाना है, एक ही जगह पर नहीं रुकना है। हाँ डेफिनेटली दोस्तों यूज करने के बाद सरफेस जो है काफी ज्यादा हाई ग्लॉस आ रहा है इसमें, डेफिनेटली एकदम ऑनेस्टली बात है। पता नहीं है कितना ज़्यादा दिखेगा कैमरा में। तो दोस्तों शायद अभी आपको क्लियरली दिख रहा है दोनों जो सरफेस है, दोनों सरफेस में क्या डिफरेंस आया है। यहाँ पर मैंने टेप को चिपकाए थे, यहाँ पर देखिए आपको शायद दिख रहा है इस चीज़ को दोस्तों, बहुत मुश्किल से कैमरा में जो है फोकस कर पाया हूँ। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली जो देख पा रहा हूँ दोनों सरफेस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इस सरफेस के साथ इस सरफेस का। इसको अगर एग्जैक्टली मैं देखना है कितना डिफरेंस आया है तो आपको यहाँ पर आके देखना होगा, क्योंकि कैमरा में उतना ज़्यादा क्लियरली नहीं दिख रहा है। अभी ओवरऑल दोस्तों क्वालिटी और परफॉर्मेंस की बात करें स्टारक्यू का इस पॉलिशर मशीन का, तो इसका जो प्राइस है इसके हिसाब से डेफिनेटली दोस्तों इसका परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। अगर आप चाहे तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं, नीचे परचेस लिंक दे रखे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।